इस श्रृंखला में सनातन धर्म चैनल के माध्यम से हम वैदिक ज्ञान को अत्यंत सरलता से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी नई युवा पीढ़ी इस ज्ञान का गौरव अनुभव कर सके। वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने से पहले हम कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे और स्पष्ट करेंगे, ताकि हमारी यात्रा सरल हो सके। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान जिससे प्राणी ब्रह्मा में स्थित हो जाए, उस निराकार निर्गुण ब्रह्मा को अपने अंतकरण में महसूस करना या दर्शन करना ही ब्रह्मा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान को सरल रूप में कह सकते हैं ईश्वर या परमात्मा को जानना। यजुर्वेद में एक मंत्र के द्वारा परमात्मा को जानने की युक्ति बताई गई है, जो इस प्रकार है। द्वितीयोऽध्याय युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत्। अर्थात वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रथमतः मन तथा इंद्रियों को वश में करके तथा अग्नि की ज्योति को देखकर विकसनशील आत्मा ने अपने आप को पृथ्वी से ऊपर निकाल लिया। वेदांग क्या होता है? वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। वे 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष। इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। सनातन जीवन के समस्त कर्म, क्रिया, संस्कृति, अनुष्ठानादि समझाने के एकमात्र अवलंब ये सूत्र ही हैं। वेदांग सूत्र के रूप में अर्थात सघन गद्य के रूप में याद किए जाने के लिए हैं। इनसे वैदिक साहित्य को समझने में सहायता मिलती है। सूत्र क्या होता है? अल्पाक्षरण असंदिग्ध सार्वत विश्वतो मुखम अस्तोभ अनवद्यं च सूत्रं सूत्र विदो विदोह। वायु पुराण अर्थात कम अक्षरों वाला, संदेह रहित, सारस्वरूप, निरंतरता लिए हुए तथा त्रुटिहीन कथन को सूत्रविद सूत्र कहते हैं। सनातन जीवन के समस्त कर्म, क्रिया, संस्कृति, अनुष्ठानादि समझाने के एकमात्र अवलंब ये सूत्र ही हैं। इनमें प्रायः पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया जाता है, ताकि गूढ़ से गूढ़ बात भी संक्षेप में किंतु स्पष्टता से कही जा सके। प्राचीन काल में सूत्र साहित्य का महत्व इसलिए था कि अधिकांश ग्रंथ कंठस्थ किए जाने के ध्येय से रचे जाते थे, अतः इनका संक्षिप्त होना विशेष उपयोगी था। चूंकि सूत्र अत्यंत संक्षिप्त होते थे, कभी कभी इनका अर्थ समझना कठिन हो जाता था। इसके समाधान के रूप में अनेक सूत्र के भाष्य की प्रथा प्रचलित हुई। भाष्य सूत्रों की व्याख्या करते थे। सूत्र ग्रंथों की व्याख्या के 5 भेद बताए गए हैं: वृत्ति, भाष्य, वार्तिक, टीका और टिप्पणी।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त चार श्रेणियों के अंतर्गत कई ऋषियों ने सूत्र ग्रंथ लिखे हैं। मुख्य सूत्र ब्रह्म सूत्र, योग सूत्र, अष्टाध्यायी, न्याय सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र, वास्तु सूत्र हैं। भाष्य क्या होता है? संस्कृत साहित्य की परंपरा में उन ग्रंथों को भाष्य कहते हैं जो दूसरे ग्रंथों के अर्थ की वृहद व्याख्या या टीका प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से सूत्र ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं। भाष्य का शाब्दिक अर्थ है व्याख्या के योग्य। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः, स्वप्नानि च वर्ण्यन्ते भाष्य भाष्यविदो विदुः। अर्थ, जिस ग्रंथ में सूत्र में आए हुए पदों से सूत्रार्थ का वर्णन किया जाता है तथा ग्रंथकार अपने द्वारा पद प्रस्तुत कर उनका वर्णन करता है, उस ग्रंथ को भाष्य कहते हैं। भाष्य मोक्ष की प्राप्ति हेतु अविद्या का नाश करने के साधन के रूप में जाने जाते हैं। एक वेदों, ब्राह्मणों एवं आरण्यकों का सायाचार्य द्वारा लिखा गया भाष्य, दो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, प्रस्थानत्रयी का शंकराचार्य कृत भाष्य, और तीन पाणिनी के अष्टाध्यायी पर पतंजलि का व्याकरण महाभाष्य आदि कुछ प्रसिद्ध भाष्य हैं। मंत्र क्या होता है? मंत्र उसे कहा जाता है जो मन के भाव से सीधे से उत्पन्न हुए हो, लिखकर उनकी रचना न की हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। हमारे वेदों की ऋचाओं के प्रत्येक छंद को मंत्र कहा जाता है क्योंकि ऋचाएं किसी के द्वारा लिखी नहीं गई थी, स्वयं मन से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इन्हें मंत्र कहा जाता है। शास्त्रों में मंत्र के बारे में कहा गया है कि मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। श्री उ आदि एक शब्द होते हुए भी मंत्र हैं और अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। मंत्र किसी के मन से स्वयं उत्पन्न है तो वही श्लोक का अर्थ होता है। जो किसी के द्वारा लिखा गया रचित हो वह श्लोक कहलाता है। कई ग्रंथों में लिखी गई दो या चार पंक्तियों की रचना को श्लोक कहा जाता है। इन श्लोकों के द्वारा ईश्वर की स्तुति या प्रशंसा की जाती है। कई श्लोकों का अर्थ बहुत गूढ़ होता है। महाभारत, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण आदि ग्रंथ ऋषिमुनियों रचित यानी लिखे गए हैं। इन ग्रंथों में लिखे गए श्लोक मनुष्य को जीवन की सही राह दिखाते हैं।